नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम उन सवालों की तफ्तीश करेंगे हल्ला बोल में जहां नोटबंदी पर देश की परेशानी कहीं पीछे छूटती जा रही है तो संसद से सड़क तक सियासत चरम पर है। विपक्ष पीएम के बयान पर अड़ा है तो सरकार बहस के लिए तैयार है। नोटबंदी पर आज मोदी भावुक हो गए लेकिन कांग्रेस ने भावुकता को दिखावा करार दिया है। कहा है प्रधानमंत्री संसद में बोले। पहले ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। एटीएम और बैंकों के बाहर लंबी लाइन पर सियासी शोर आज फिर हावी रहा। देश कैश की तलाश में भटक रहा था और सदन के अंदर बाहर सियासत गरज रही थी। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री के बयान को लेकर विपक्ष अड़ा रहा तो सरकार ने मुद्दे पर बहस का कार्ड चल दिया। खुद वित्त मंत्री जेटली नोटबंदी के फायदे गिनाते रहे। तो फिर प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में क्यों नहीं आते? पार्लियामेंट में आके क्यों नहीं बोलते? टीवी पे बोल सकते हैं, पॉप कॉन्सर्ट पे बोल सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं बोल सकते? विपक्ष को हमने बाय सरप्राइज ले लिया। जब उन्होंने चर्चा की मांग की तो हमने कहा तुरंत शुरू कीजिए। पूरा दिन चर्चा हुई और दूसरे दिन चर्चा कंटिन्यू होनी थी और उसके बाद उत्तर होना था सरकार की तरफ से, और कहने लायक बहुत कम था विपक्ष, और इसलिए उन्होंने रणनीति बदल ली कि रोज नए नए कारण ढूंढना कि अब हम चर्चा नहीं चाहते। नोटबंदी के 14वें दिन प्रधानमंत्री ने देश के सामने अपनी योजना का खाका पेश किया। ऐप के जरिए नोटबंदी पर देश का मूड टटोला। मोदी ने 10 सवाल पूछे। आप मानते हैं कि काले धन और करप्शन को खत्म करना जरूरी है? काले धन से निपटने के लिए सरकार के कदम को कैसे देखते हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के प्रयासों को कैसे देखते हैं? 500 और 1000 के नोट बंद करने के फैसले पर आपकी राय क्या है? आपको लगता है कि नोटबंदी से काले धन और करप्शन पर रोक लगेगी? काला धन, जाली मुद्रा, करप्शन पर हमारे कदम से आपको असुविधा हुई? क्या आपके पास कोई सुझाव है जो आप पीएम से साझा करना चाहते हो? देश में कैश पर बढ़ते कोहराम के बीच बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी इमोशनल हो गए। बट दैट्स नॉट ब्लैक मनी, दैट इज नॉट क्राइम मनी। सो प्राइम मिनिस्टर हैज मास्टर्ड द आर्ट, ही हैज एन अमेजिंग कंट्रोल दैट ही कैन लाफ व्हेन ही वांट्स, ही कैन क्राई व्हेन ही वांट्स, ही कैन डू व्हाट ही वांट्स, एंड इन दैट प्रोसेस He has unleashed actually pain and suffering on the people. कि इसका देश भर में स्वागत हो रहा है। हर सामान्य नागरिक को और ईमानदार आदमी को लगता है कि कम से कम एक निर्णय हिंदुस्तान में हुआ, और शायद पिछले 70 साल में ऐसा निर्णय नहीं होगा जिसमें उसकी ईमानदारी के ऊपर प्रीमियम रखा गया। दिल्ली की सड़कों ने नोटबंदी पर सियासत की नई खेप भी देखी। आम आदमी पार्टी ने संसद मार्च के लिए कूच किया तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हिरासत में ले लिए गए। उधर नोटबंदी पर गरज रही ममता बनर्जी ने कोलकाता से फिर सरकार को खबरदार किया। खैर, पीएम संसद में बोले या किसी और आयोजन में, विपक्ष बहस करे या सिर्फ हंगामा, दोनों मसलों से उस जनता को लेना देना नहीं जो सिर्फ 2500 के लिए 14 दिन से एटीएम की कतार में लगी है। आज तक ब्यूरो। तो क्या प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में, संसद में बोलना चाहिए जैसा कि विपक्ष का मांग है? इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद तिवारी जी जो कि सांसद हैं राज्यसभा से कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारे साथ जुड़ गए। पवन कुमार वर्मा जी जेडीयू के नेता हमारे साथ हैं। सांसद शिवसेना के अरविंद सावंत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हमारे साथ कोई जुड़ेगा। इससे पहले कि मैं डॉक्टर संबित पात्रा आपके पास आऊं, अरविंद सावंत जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूं। अरविंद सावंत जी, चूंकि आप सहभागी हैं सत्ता में इस वक्त, क्या प्रधानमंत्री को संसद में नोटबंदी पर बोलना चाहिए? मुझे लगता है कि वो आकर अगर कहे तो सारा मामला सुलग जाएगा।
अब दोनों की रणनीति तो मैं नहीं था, हम तो तय नहीं कर सकते। हाँ। लगता है जब हम बाहर बोल रहे हैं तो अंदर आके बोलने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। क्यों क्यों मतलब पता नहीं है। अरे ये तो मतलब जो कुछ कर रहे हैं, एक तो निर्णय इतना स्वागत आ रहे हैं, उस निर्णय का समर्थन करने के लिए हम आके सामने आकर बोलने चाहिए, क्या गलत है बताओ। और आपने देखा होगा कि खास करके आतंकवादियों के बारे में, नेशनलिस्ट के बारे में, हाँ। वहाँ पाकिस्तान के लोग, नॉर्थ कश्मीर में जो चल रहा था उसके बारे में जो बातें चल रही थी, आज भी पहला प्रश्न उसी को लेकर था। उसने जवाब दिया मंत्री जी ने कि हाँ इसमें कमी आई, जो पैसे फेंक कर लोगों को पत्थर मारने के लिए भेज रहे थे वो रुक गया। लेकिन उसी वक्त दूसरी जो खबर आई वो तो मतलब कमाल की लग रही थी कि जो दो आतंकवादियों को हमने मारा उनके पास नए 2000 की नोट मिली थी। ये जो चीजें हो रही है उसके ऊपर बहुत ही निगरानी रखनी पड़ेगी, बहुत ही। संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। हॉक्स आई यू कैन से हैज टू बी केप्ट ऑन दिस। बिल्कुल, मैं जवाब देता हूं। संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। देखिए पहला विषय कि प्रधानमंत्री को संसद में बोलना चाहिए, और अंजना जी और आपने, मैंने और जितने हमारे यहाँ माननीय पैनलिस्ट बैठे हैं, जब इंटॉलरेंस का डिबेट हुआ था तो उस समय भी यही पहला प्रश्न था कि प्रधानमंत्री को पहले बोलना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री ने बोला? नहीं, प्रधानमंत्री ने बोला। जब रोहित वेमुला का मामला आया सबका डिमांड था कि नहीं प्रधानमंत्री आके बोले, प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री ने बोला भी। आप बोलिए किस विषय पे प्रधानमंत्री ने नहीं बोला है? हर विषय में प्रधानमंत्री ने बोला है, मगर भारत जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम एक संसदीय प्रणाली से चलती है, भारत का संविधान, स्वाभाविक रूप से पार्लियामेंट में मंत्रीगण हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, और आज जब ये सवाल उठाया गया कि प्रधानमंत्री को बुलाया जाए तो राज्यसभा में चेयर ने कहा कि नहीं, ये विषय फाइनेंस मिनिस्टर का है, मैं केवल फाइनेंस मिनिस्टर को ही कह सकता हूं। और फाइनेंस मिनिस्टर तो डे वन से कह रहे हैं कि आपका मसला तो यही है ना कि प्रॉब्लम का सलूशन कैसे हो, अगर किसी को दिक्कत हो रही है, कोई प्रश्न है तो उसका निदान क्या हो। वो तो बैठे हैं कागज के साथ, ये सब तो नियम आप मनमोहन सिंह के समय तो नहीं सुनते थे, ये सब नियम कानून आप मनमोहन सिंह के समय में तो नहीं सुनते थे ना संबित जी? मैं फर्क बता देता हूँ। तब तो मनमोहन कहते थे आप, मनमोहन सिंह को बोल नहीं, मैं उसका जवाब देता हूँ। फर्क क्या था मनमोहन सिंह और मोदी में? बहुत फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। मनमोहन जी को हम बोलने इसलिए बोलते थे कि कितना निगला है वो तो उगलो, यहां मोदी जी जितना निगला हुआ है उसको उगालने की कोशिश कर रहे हैं। दिक्कत तो उन लोगों को है जिन्होंने खा लिया है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जो खा लिया है उसे भी निकलवाऊंगा, उसे भी निकलवाऊंगा, और जिन लोगों ने खाया हुआ है आज उनको दिक्कत है। प्रमोद तिवारी जी इसका भी जवाब दीजिए, और साथ ही मेरा भी एक सवाल इसमें सुन लीजिए, क्यों ना इसे सिर्फ ड्रामा और ऑप्टिक्स कांग्रेस पार्टी का कहा जाए। 16वीं लोकसभा में सर मेरे पास बाकायदा अटेंडेंस है, सोनिया गांधी का अटेंडेंस 16वीं लोकसभा में 67% है, 67%। राहुल गांधी का अटेंडेंस 55% है। तो जिस संसद की दुहाई आप दे रहे हैं उसमें तो आपकी ही संजीदगी को लेकर सवाल लग जाता है। प्रमोद जी, मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब दे दूं। हाँ। कि हम क्यों चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री जी संसद में आए? पहली बात तो हम भारत के प्रधानमंत्री जी को ऐसी किसी जगह नहीं बुला रहे हैं, चांदनी चौक में नहीं बुला रहे हैं, कनॉट प्लेस में नहीं बुला रहे हैं, कुतुब मीनार पर चढ़ने को नहीं कह रहे हैं। हम तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, भारत की जनता ने आपको चुना है, प्रबल बहुमत से चुना है, और भारत के संविधान का आर्टिकल 75 कहता है कि आप लोकसभा राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। हम इसलिए आपसे कहते हैं कि ये घोषणा आपने वित्त मंत्री जी से नहीं कराई, ये घोषणा आप खुद टेलीविजन पर आए, आपने खुद घोषणा की। ये सवाल सीधा आपसे जुड़ा है कि आपने कह दिया कि 12 बजे के बाद, 3 घंटे के बाद ये 500 की नोट, ये 1000 की नोट रद्दी के टुकड़े हो जाएंगे। ये तो आपने कहा था, आप ही ने तो कहा था कि आज 8 तारीख के बाद एक दिन रुकिए, आइएगा 10 तारीख को, बैंक में आपको 4000 बदल जाएगा। ये आप ही ने तो कहा था प्रधानमंत्री जी कि एक दिन के बाद
जिनके पास सफेद पैसा है, काला धन नहीं है, उनको कोई कमी नहीं होगी। हम ये जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, आप तो जापान उड़ गए थे लेकिन यहाँ हिंदुस्तान को आप लाइन में खड़ा करके गए थे। ये जो लाइन में खड़े लोग हैं ये कितने काले धन वाले हैं जहाँ जी, ये जितने लोग खड़े हुए हैं, कर्मचारी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, इनको मालूम भी नहीं है, इनको मालूम भी नहीं है कि किसान यहाँ का 50% 60% जो ट्रांजेक्शन टेक्सटाइल में होता है, खेती में होता है, वो कैश होता है। कैश धान खरीदता है, गेहूं खरीदता है, वो कार्ड से भुगतान नहीं होता वहां पर, वो आज लाइन में खड़ा है। मैं आ रहा हूं कल अपने क्षेत्र से लौटकर, मैं बताऊं जय जी, धान जो 12 से 14 क्विंटल बिकना चाहिए, 600-700-800 में लोग खरीद रहे हैं और उस पर भी 100-200 किसान को पकड़ाए दे रहे हैं। अरे 8 तारीख को आपने घोषणा की, आप भूल गए, 9 से उत्तरायण शुरू होगा, शादी ब्याह का सीजन होगा, लड़कियों के ब्याह होंगे, लड़कियों की शादी होगी, परिवार में निमंत्रित हो चुके हैं लोग, उनको भी आप भूल गए। जो 0.02% है, जो 0.045% है, और दूसरी नेताओं की जो बात करते हैं, आपने बात की कि सभी लोग मेरे की, राहुल जी की, उनकी जितनी है, जरा इनके नेता से पूछिए, उनकी तो 2% भी नहीं है, ये लोग राष्ट्रीय नेता हैं, इनको और हम लोग तो बोले ही नहीं अब तक, हम लोग हैं पार्लियामेंट में इनका जवाब देने के लिए रहते हैं। पवन वर्मा जी, वही नियम सब पार्टियों में है, वो तो दिख रहा है। इस पर आप अपनी राय दें कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए या नहीं, और ये भी बताइए सर कि आप विपक्ष के साथ दिख नहीं रहे इस बार, मतलब इस मुद्दे पर जानबूझकर जेडीयू अलग है क्या, हम माने कि मोदी जी के साथ? पहले तो मैं ये आपका जो दूसरा प्रश्न है वो स्पष्ट कर दूं। हमने इस निर्णय का समर्थन किया है। पहले दिन ही नीतीश जी ने कहा था कि अगर सरकार कोई सक्रिय कदम काले धन के खिलाफ उठाती है तो हम सरकार के साथ हैं। उसके बाद उन्होंने टिप्पणी की कि हम इसका समर्थन तो जरूर करते हैं क्योंकि हम भी काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, पर लगता है कि सरकार इसको कार्यान्वित करने के विषय में पूरी तरह से तैयार नहीं है, तो हमारा समर्थन भी है और सरकार के इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी पर उसकी आलोचना भी है, दोनों में कोई आपसी विरोध नहीं है। तीसरी बात जो आप पूछ रही है प्रधानमंत्री के बारे में, मैं समझता हूं कि सांसद के वर्किंग प्रोसीजर में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि प्रधानमंत्री को होना ही चाहिए। संवेदी जरा सा उतावले मत होइए, सबको बोल लेने दीजिए, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है तो कि प्रधानमंत्री को राज्यसभा या लोकसभा में होना ही चाहिए, परंतु पर आप शांति रखिए सर, कोई बोल रहा है इस वक्त समिति तो, परंतु मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत अगर प्रधानमंत्री हाउस में आ जाते और इसको प्रेस्टीज पॉइंट न बनाते तो बीजेपी के लिए ही ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि प्रधानमंत्री के दिमाग में कोई संशय नहीं है कि उन्होंने सही कदम उठाया है, उन्होंने खुद इसकी घोषणा की, वो उसके डिटेल्स तक में गए नेशनल टेलीकास्ट में। आज अगर विपक्ष इस पर बहस करना चाहता है और उसके इसके इसके संदर्भ में कुछ सकारात्मक अपने सुझाव भी देना चाहता है तो वो चाहता है कि जो इस नीति के निर्माता हैं, जिन्होंने खुद कहा कि मैं इसको आपके लिए कर रहा हूं, वो सुन तो सके। तो मैं समझता हूं बीजेपी को खुद ही इस मांग को स्वीकार करना चाहिए, मतलब आपका कहना है कि बीजेपी के ही हित में है। ठीक है, मैं समझ गई, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसके तहत बीजेपी के हित में है कि वो आए और बिल्कुल है। ठीक है, ठीक है, मैं इन सवालों के साथ नहीं, संबित जी आपको थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। राघव चड्ढा जी, सवाल ये है कि हालांकि आपसे ये सवाल नहीं पूछा जा सकता, लेकिन कुल मिलाकर विपक्ष जिस तरह से मुद्दे को उठा रहा है, क्या मोदी के बोल देने से इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो जाएगा? क्योंकि अपने तरीके से पार्लियामेंट्री बोर्ड में या जिस तरह से फैसले को आगे ले जाना है कोशिशें हो रही है और वित्त मंत्री जवाब दे रहे हैं। राघव जी देखिए, पहली चीज तो यह है कि जहां तक इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, आम आदमी पार्टी ने इसके इम्प्लीमेंटेशन पर तो सवाल खड़े करे ही,
और ये आप हर रोज प्रेस वार्ता कर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के संज्ञान में भी ये बात लाए कि लगभग 74 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है, जिसमें से 11 बैंक के कर्मचारी हैं, जो इस आर्थिक आपातकाल और एक आर्थिक अराजकता जो प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे देश पे लागू कर दिया है उसके शिकार हुए हैं। परंतु साथ ही साथ हमने एक बहुत बड़ा प्रश्न देश की जनता के समक्ष और खास करके भारतीय जनता पार्टी के समक्ष खड़ा करा कि ये आप अभी एक न्यूज वेबसाइट है अंग्रेजी की, हफिंगटन पोस्ट, आप उस पर जाकर देख सकती हैं, उसमें पूरा आर्टिकल छपा है, भी मैंने कुछ ही घंटे पहले उसको पढ़ा है, तो वो आप पढ़ सकती हैं। एक चीज, दूसरी चीज, हमने एक और बड़ा सवाल आज भारतीय जनता पार्टी के समक्ष खड़ा करा और ये कहा कि ऐसा कैसे होता है कि अभी नोटबंदी की स्कीम आए केवल 4 दिन ही होते हैं, भारत की जनता ने लाइनों में लगकर 500,000 के नोट जमा कराए और कुल 2,00,000 करोड़ की राशि भारत सरकार के पास आती है और मोदी जी ने 7,000 करोड़ के अपने चंद दोस्तों के जो लोन थे उनको माफ कर दिया, जिसमें से 1,200 करोड़ का कर्जा विजय माल्या का माफ कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की ये जो रणनीति है कि आम आदमी से 500,000 के नोट वसूलो, बैंकों में जमा कराओ और 8,00,000 करोड़ का जो इनके दोस्तों का कर्जा है वो माफ कर दो, एक चीज। दूसरी चीज मैं आपके समक्ष ये रखना चाहूंगा कि गुजरात दो हजार के नोटों में जहाँ पर लाठी चार्ज लाइन में देखिए लोगों को जो किया गया था, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें एसपी को, एसओ को, सबको सस्पेंड किया। ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश पुलिस की वो तस्वीर है, वो चेहरा है जो बताता है कि इनके काम करने का तरीका क्या है, शर्मनाक। नोट लेने के लिए लाइन में खड़े लोग, अपने पैसे लेने के लिए लाइन में खड़े लोग, उन पर लाठियों से वार करती हुई कायर पुलिस, शर्मनाक तस्वीरें ये आई थी फतेहपुर से और अब इसमें कार्रवाई हुई है, अखिलेश यादव ने इन्हें सस्पेंड किया है। राघव, दो लाइनों में अगर संक्षिप्त में आप अपनी बात पूरी करें ताकि हम समित जी से जवाब भी ले सके सभी की बात का। राघव जी, जी मैं दो लाइनों में अपनी बात मैं दो लाइनों में समाप्त कर देता हूं। देखिए, ये कहा जा रहा था कि नोटबंदी की स्कीम आएगी तो काला धन, भ्रष्टाचार और फर्जी नोट सब समाप्त हो जाएंगे। अब काले धन और भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, अभी दो दिन पहले गुजरात के अंदर नए 2,000 के नोटों में एक अफसर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करा गया, तो क्या यह माना जाए कि भ्रष्टाचार समाप्त हो गया? भ्रष्टाचार तो आसान हो गया, पहले 1,000 के नोटों में घूस दी जाती थी, अब 2,000 के नोटों में घूस दी जाती है। और कल की खबर है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों को भारतीय सेना ने मार गिराया, उन आतंकवादियों के पास 2,000 के नए नोट जो अभी भारत सरकार ने जारी करे वो पाए गए, तो क्या समझा जाए? अरविंद जी ने भी किया था, 2,000 के नए नोट इसका जिक्र अरविंद जी ने भी किया था। अरविंद जी इससे पहले कि मैं संबित जी आपसे जवाब लूं, अरविंद जी सवाल यह है कि क्या आपको लगता है सरकार अपने आप को या अपनी बात को पहुंचाने में नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि जिस तरह से फ्रंट फुट पर एक तरह से विपक्ष आकर पूरी तरह से घेर रहा है सरकार? अरविंद जी, बात यह है कि जो निर्णय हुआ हाँ। उसका तो शिवसेना ने एक समर्थन किया, सहे दिल से स्वागत भी किया हाँ। लेकिन अमल के बारे में हाल ही में 2 दिन पहले भी हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब ने कहा, अभी भी गंभीरता से लीजिए और उसमें जो विलंब हो रहा है, लोगों की विटंबना हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। अभी आपने कहा कि वहां पुलिस ने मारपीट कर दी, 50 लोग मरे, छोटी बात नहीं है। हाँ। एक जमाना था कि एक व्यक्ति अगर पुलिस की लाठी में मरे तो विधानसभा या लोकसभा की सर पे लेते थे लोग, आज 50 लोग मरे, हमें कुछ गंभीर लेना है कि नहीं लेना है? संबित पात्रा जी जवाब दीजिए सभी के सवाल का, एक एक मुद्दे का, क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर है। क्या जिस तरह की तैयारी, और जब प्रधानमंत्री भावुक हुए इस बात पर, भावुक हुए उस बात पर हुए, हम भी दिखा रहे हैं कब कब भावुक हुए हैं, लेकिन पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोल रहे? देखिए, जहां तक भावुक होने का सवाल है, कांग्रेस जो उस पर बार बार सवाल उठा रही है, अब देखिए ये तो व्यक्ति व्यक्ति पे निर्धारित करता है। सोनिया गांधी जी आतंकवादियों को मरा हुआ देखकर बाटला हाउस में 3 दिन तक खाना नहीं खा पाई थी, वो बहुत भावुक हो गई थी और बहुत रो रही थी। अब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की परेशानी से भावुक हो जाते हैं, ये व्यक्ति व्यक्ति में फर्क होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था,
मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था अंजना जी, आप इनसे बुलवा लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन इतनी गलत बयानी भी मत करिए कि तीन दिन खाना नहीं खाया। नहीं नहीं, देखिए अंजना जी, आप इनसे बुलवा ले, मैं फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राजीव गांधी वो अंजना जी आप चाहती है मैं बना रहा हूँ तो फिर आप बता दीजिए। आप जैसे पार्टी कायर बुजदिल पार्टी, ये सब ड्रामाबाजी बंद कर दीजिए, ये ड्रामेबाजी बंद कर दीजिए और शांति से सुनिए थोड़ा। जब मैं आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। जनता पार्टी ने ये हो गया, जब गांधी ने अपना बलिदान दिया है, राजीव गांधी ने अपना बलिदान दिया है। इंदिरा गांधी करके कब तक पानी पीते रहोगे आप? छोड़ो जुमले, इंदिरा गांधी करके कब तक पानी पीते रहोगे? राहुल गांधी में दम नहीं है क्या? एक बार उसका भी नाम ले लो। जब तक दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश रहेगा, हो गया चाटुकारिता, बहुत हो गई चाटुकारिता, बैठ जाइए। इंदिरा गांधी, बहुत हो गया ड्रामेबाजी और चाटुकारिता, आप थोड़ा बिहेवियर दिखाइए, दूसरों को बोलने दीजिए। शहीदों का नमन है, ये उन शहीदों का नमन है, बैंकों का, शहीदों का नमन, बाटला हाउस एनकाउंटर में जाके शहीदों पे आंसू बहाने वाले, पाकिस्तान को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले शहीदों का नमन है ये? रहने दीजिए ये सब, आप बैठ के सुन लीजिए थोड़ा सा, कृपया करके। आप बड़े हैं, आपका मैं सम्मान करता हूँ। और उनकी नहीं माता के पैर छूने वाले प्रधानमंत्री, बैठ जाइए। और अंजना जी, ये बोलने का अधिकार नहीं है, जब सारे लोग बोल रहे हैं शांति से सुन रहा था तो देख लेते कि सामने बैठे हुए बिल्कुल मत भ्रम हो गई, पटरी से उतर गई। मैं शांति से बैठा हूँ अंजना जी, जब आज तक को मन करे मुझसे बुलवा लीजिएगा। समित जी जवाब। प्रमोद जी, क्या ये सच नहीं है कि सोनिया जी भावुक हो गई थी बाटला में जो आतंकवादी मारे गए थे उनको देखकर? मैंने कुछ झूठ बोल दिया? सलमान खुर्शीद को पार्टी से निकाल दीजिए। अगर इस मुद्दे से मिलाओ नहीं, अगर आप इतना तिलमिला उठ रहे हैं तो सलमान खुर्शीद को पार्टी से अभी निकलवाइए जाकर, उन्होंने कहा था निकाल दीजिए, जस्ट रिमूव हिम फ्रॉम देश के 125 करोड़ चिल्लाने की जरूरत मत करिए। यहाँ आके मुझ पे चिल्लाने के बदले जाके सलमान खुर्शीद पे चिल्लाइए। अब दूसरी बात सुन लीजिए, मैं उत्तर देता हूँ। कर दिया 1500 की नोट रोक दी, सारा देश का सोनिया गांधी किस पे रोकी हम सबको पता है। और दूसरी बात, क्या ये सच नहीं है कि सोनिया जी और राहुल जी 5000 करोड़ रुपए गबन के जुर्म लाइन में जनता खड़ी है अपना पैसा लेने के लिए? संसद में बवाल है और सियासत चरम पर है देश में। संबित पात्रा जी, सीधा सवाल जिसका स्पष्ट जवाब मुझे नहीं मिला, क्योंकि जेडीयू का यह कहना है कि यह बीजेपी के हित में ही है कि पार्लियामेंट में बोले प्रधानमंत्री, संसद में बयान क्यों नहीं देते पीएम? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि क्या संसद का सत्र खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। क्या डिबेट आरंभ कर दिया आप लोगों ने? आपने डिबेट तक आरंभ नहीं किया। मकसद क्या है आपका? आपका मकसद है कि जनता की जो तकलीफ है उसको दूर करना, उसके लिए आप सवाल पूछिए, उसके लिए आप जवाब लीजिए वित्त मंत्री से, नहीं आपको केवल हंगामा बरपाना है। मगर इसमें एक अच्छी बात भी छिपी है। जब कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री बोले, तो मुझे खुशी इस बात की होती है कि एक जमाना ऐसा भी था जब लोग कहते थे मनमोहन सिंह जी बोले तो सब लोग सोनिया जी की ओर देखते थे। कम से कम हिंदुस्तान की राजनीति में 10 साल के बाद ये इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है कि पावर पुनः प्रधानमंत्री के पास गया है, जिसके पास होना चाहिए था। पहले तो पावर प्रधानमंत्री के पास ही नहीं होता था, 10 जनपद में होता था पावर। प्रधानमंत्री 7 रेस कोर्स में रहते थे, 10 जनपद में उनका पावर होता था। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। साधुवाद, मैं अपने मित्रों को जो बड़े हैं मेरे से उम्र में, मैं साधुवाद देता हूं इस बात के लिए। दूसरी बात, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ प्रश्न रखा, मगर मैं प्रश्नों का जवाब सच्चाई बोल के दूंगा। 3000 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी के कागज बन गए हैं, 3000 करोड़ रुपए जो उन्होंने गोरखधंधा से कमाकर था। जवाब दीजिए ना, 8 लाख करोड़ का घोटाला संबित जी। आरएसएस का फर्जी प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा, बीच में नहीं बोल रहा हूं। आरएसएस का फर्जी प्रोपेगेंडा झूठ का डेटा कहां से मिला आपके बीच में? नहीं बोल रहा करोड़ का घोटाला जो आपकी सरकार कर रही है उस पर जवाब दीजिए। सुन लीजिए, ये फर्जी प्रोपेगेंडा नहीं, दस्तावेज। अंजना जी, आपने जब राघव चड्ढा को पूछा कि आपको ये बात कहां से मालूम पड़ा, तो राघव चड्ढा ने कहा हफिंगटन पोस्ट के आर्टिकल में मालूम पड़ा। अरे फर्स्ट पोस्ट के आर्टिकल में आलू मालू छपा था, तो क्या हमने आलू मालू के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया? कोई आर्टिकल छपा है कहीं पर, उस आर्टिकल को लाके यहाँ पे आलू मालू के आर्टिकल पे हमने कोई डिबेट कर दिया क्या?
ये क्या दिखा रहे हैं? दस्तावेजों के आधार पे बात कर रहे हैं। आप अपने आप को क्या विजय मालिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट है? आप बताइए राइट ऑफ और वेवर में फर्क पता है आपको? डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन राइट ऑफ एंड वेवर? ये 3,000 करोड़ रुपए जब कागज हो जाते हैं, जनता भी सुन ले, 3,000 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी के कागज हो गए हैं, इसलिए राघव चड्ढा भी यहाँ बौखला रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी बौखला रही है। ये वो आदमी है अरविंद केजरीवाल जो कह रहा था कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, ये लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। 3,000 करोड़ रुपए नवीन जिंदल से आपको भागने नहीं दूंगा मैं सवाल से। जिंदल से कितने लिए थे? अरे जिंदल से कितने लिए हैं ये बोलो आप? जिंदल से कितने मिले हैं? जिंदल से कितने पैसे लिए हैं ये बताओ? 1,200 करोड़ केजरीवाल और उसका परिवार जिंदल से कितने पैसे लाए हैं ये बताओ? क्या हम नहीं जानते हैं जिंदल से कितना पैसे लाए हो? जिंदल से कितने पैसे लाए हो ये बताओ? जिंदल से कितने पैसे लाए हो ये बताओ? अरे जिंदल के पैसों पर राजनीति करने वालों, करोड़ों खरबों रुपए इन अमीरों से लेने वालों, जब 3,000 रुपए आपके कूड़े हो गए हैं तो यहाँ चिल्ला चोट मचा रहे हो? तो यहाँ चिल्ला चोट मचा रहे हो? जब 3,000 रुपए कूड़े हो गए तो ये इनका हाल है। देखिए मैं इनके बीच में तो नहीं बोल रहा था जब ये सारे बोल रहे थे, जब इनके सच पकड़ी जाती है तो ये इस तरह चिल्लाने लगते हैं। अरविंद सावंत जी, प्रमोद जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक सेकंड। अरविंद सावंत जी मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। मुझे दुख हो रहा है, मूल प्रश्न को छोड़कर, बिल्कुल मूल प्रश्न को छोड़कर हम विषय को, जो बहस चल रही है एकदम गलत चल रही है। परेशान 125 करोड़ जनता है, परेशान किसान है, जिस किसान को आप जिला बैंक से पैसा निकालने नहीं दे रहे, भरने नहीं दे रहे, उस किसान की जो तकलीफ हो रही है वो शिवसेना ने आवाज उठाई है। आज हम प्रधानमंत्री जी से मिले और बताया कि महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, एक कोऑपरेटिव बैंकों का गढ़ है। उस बैंक में जो लोग किसानों की सारी योजनाएं नाबार्ड के माध्यम से या केंद्र सरकार के माध्यम से, जिला बैंक के माध्यम से जाती है, उस जिला बैंक का पहुंच गांव-गांव में, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों का नहीं है। पिछले 8 दिनों से उस बैंकों का कारोबार बंद किया गया। हमने कहा भैया वो तो रिजर्व बैंक के कंट्रोल में है, रिजर्व बैंक निगरानी रख सकती है, वहाँ का कारोबार बंद करके आप किसान को परेशान कर रहे हैं। देता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है अरविंद जी, करने पर जाएगा। इसलिए आपको संबित पत्रा जी, मैंने ये सारे मुद्दे हमने प्रधानमंत्री जी के सामने रखे, यहाँ सोल्यूशन होना चाहिए। अरविंद जी ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, इस विषय को हिट के लिए मैं जवाब देना चाहूंगा। जी किसान स्पेसिफिक एक जवाब, इसी का जवाब देना चाहता हूँ। संबित जी मैं इसी का जवाब देना चाहता हूँ, सुन लो। अरविंद जी पूछ रहे हैं, मैं 10 सेकंड दे दीजिए, मैं किसानों का जवाब दे दूं, लेकर पवन जी को भी बोलना है। पहले दिन से बात की, आज मैं संबिता, मैं संबित जी मुझे पूरा तो करने दो, ये आरोप प्रत्यारोप में लोगों को खुशी नहीं है। हम देख रहे हैं कि आप कैसे लोगों को राहत दे सकते हैं, क्योंकि हम हमें गर्व है जवाब देना कि प्रधानमंत्री जी ने काले धन को लेकर जो निर्णय लिया वो अच्छा निर्णय लिया, लेकिन उसका अमल जिस ढंग से हो रहा है, 50 लोग मरे, कुछ कर्मचारी उसमें बैंक के कर्मचारी है, कुछ जनता है, तो उनकी परेशानी कैसे कम कर सकते हैं, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, न कि आरोप प्रत्यारोप में। अगर यह कहेंगे अरविंद जी ने सवाल उठाया है उसका जवाब दे देता हूं। किसान का प्रश्न, किसान की समस्या को राहत मिलेगी? आपने एक सवाल को दो बार पूछ लिया है, मैं जवाब दे देता हूं, और ये चर्चा उसके तरफ जाने की आवश्यकता है। ठीक है संबित जी, रूटीन फैसला नहीं है किसान वाला विषय, अरविंद जी ने बहुत, किसान झेलेगा तो पूरा देश बुरी तरह से झेलेगा। कोऑपरेटिव बैंक को लेकर अरविंद जी ने एक सवाल पूछा है कि कोऑपरेटिव बैंक को आप एम्पावर करिए ताकि किसान का पैसा जा सके किसान के पास। सही बात है। देखिए मैं एक बात बताऊं जो कि अरविंद जी भी मानेंगे, 90% कोऑपरेटिव बैंक जो हिंदुस्तान में है वो ओन्ड बाई पॉलिटिशियंस है, याद रखिए, पॉलिटिशियंस उसके चेयरपर्सन है। बहुत इजी है सारे पॉलिटिशियंस को, पहले कांग्रेस के भी बैठे हैं, फिर दोबारा मनी को वहां वाइट करने के लिए, इसलिए आज सुन लीजिए मैं उत्तर दे रहा हूं, सुनिए पूरा कंप्लीट कर लूं, मगर फिर भी आज प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय भी लिया है और सरकार ने ये निर्णय लिया है कि नाबार्ड बैंक के माध्यम से, नहीं एक सेकंड मैं कंप्लीट कर लूं उसके बाद आप जरूर बोल लीजिएगा, नाबार्ड बैंक के माध्यम से, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक में किसानों के पैसे हैं और रबी का सीजन चल रहा है, इसलिए नाबार्ड बैंक ये पूरा एक बना रही है लिस्ट उन बैंकों का जहां किसान का पैसा रखा है, और अब
किसान अपनी जो खरीदारी कर सकता है सीड्स अर्थात बोने के लिए बुआई के लिए जो सीड्स है वो पैसे अब मिलेंगे, आरबीआई उसे देगी, ये नाबार्ड ने अब तय कर लिया है, ये सूचीकरण भी हो गया है। मगर यह भी हमें ध्यान रखना है कि 90% कोऑपरेटिव बैंक पॉलिटिशियंस के हैं, तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि पॉलिटिशियंस के ब्लैक गलत मत बोलो, आप बहुत गलत इल्जाम लगा रहे हो सर, करना चाहिए। नहीं 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 संबित जी बहुत गलत बोल रहे हो सर, आप भी जानते हैं। नहीं संबित जी, सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ओनर्स हैं, मैं जानता हूं ना, इसके लिए बोल रहा हूं। संबित जी एक सेकंड के लिए बताओ, इसलिए आधा मिनट के लिए आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। ऐसा इल्जाम लगाना अच्छा नहीं है। पहली बात, जिला बैंक जो है वो रिजर्व बैंक के कानूनन तहत चलती है, और जिला बैंकर जो कुछ चुनकर आते हैं, हाँ ठीक है, शिवसेना का तो एक भी जिला बैंक नहीं है, ना शिवसेना की एक कोऑपरेटिव बैंक है कोई। हम चाहते हैं कि किसानों को तकलीफ हो रही है, नहीं नहीं, किसी पार्टी का नहीं होता है सर, पॉलिटिशियन व्यक्तिगत का होता है पूरा। एक मिनट, नहीं नहीं, आपने पॉलिटिशियन, एक मिनट सुनिए संबित जी, आप जो कह रहे इल्जाम लगा रहे हो वो गलत है, मैं बता रहा हूँ। आप जानते हो कि किसानों की सारी इकोनॉमी, आपको पता है महाराष्ट्र में 6000 से अधिक कोऑपरेटिव बैंक है, उनकी शाखाएं हैं, महाराष्ट्र में 4000 से अधिक जिला बैंक की शाखाएं हैं, और गांवों गांव में किसान सारा कर्जा वहां से उठाता है, किसान सारा पैसा वहां जमा करता है। इसीलिए तो नाबार्ड अब ये पूरा काम कर रही है, योजना तभी तो ये समाधान किया गया। एक मिनट सुनो ना, अरे आप निर्णय मत बताओ, आप नहीं नहीं अभी तक निर्णय नहीं, अब ना जीआर आया अभी, उसके बाद में वो उसी जिला बैंक के तहत कर्जा लेती है, कर्जा पैसा जमा करते हैं, वो सारा विश्वास पूर्ण काम उनका किसानों का जिला बैंक के माध्यम से होता है, और जिला बैंक पर निगरानी कौन रखता है, नाबार्ड है और आरबीआई। क्या डर है हमें, किस बात का डर है हमें, क्यों हम हर एक के पास अविश्वास से देखते हैं? मैंने उत्तर तो दिया, क्यों हम हर एक के पास अविश्वास से देखते हैं? अरविंद जी देखिए, मैंने उत्तर दिया कि ये सारी थी, रबी का सीजन था, इसलिए नाबार्ड ने सूची बना लिया है। मगर देखिए अंजना जी, सारे पॉलिटिशियन एक हो जाएंगे यहाँ पर, दोनों पक्ष यहाँ सारे पॉलिटिशियन एक हो जाएंगे, ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए पॉलिटिशियन को भी नहीं छोड़ना है। ना हमारे हाथ में कोई जिला बैंक है, बंधन में है आपके साथ शिवसेना, तो सहभागी है सत्ता में, हमारी भी जिला तिवारी जी, प्रमोद तिवारी जी, लेकिन आप ध्यान में रखना, प्रमोद तिवारी जी आपने उस पे मुझे जवाब नहीं दिया सर, सारी इकोनॉमी वो जिला बैंक पर निर्भर करती है, इतना ही सर। आपने सर, आपने मैं सिर्फ दो तीन बातें कह दूं इस पर, सर आपने उस पे जवाब नहीं दिया सर, 55% राहुल गांधी, ठीक, धन्यवाद अंजना जी। सर 16वीं लोकसभा में आप भी तो रिपोर्ट कार्ड देखिए, जानकारी सही कर दूं जिससे भारत के दर्शकों को, आज तक के दर्शकों को गलत जानकारी जो दी है संबित भाई ने, संबित जी ने कहा भी चर्चा नहीं शुरू हुई है, पूरे एक दिन चर्चा चली है और 28 मिनट मैं उस पे बोला हूँ इसी विषय पर, तो जिस चीज की जानकारी बर्बाद क्यों किया, नहीं नहीं, मैं भारतीय नागरिक हूँ, छोड़ दीजिए, मैं सांसद नहीं हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन चर्चा करके कोई एहसास नहीं कर दिया आपकी देश पे, अराजकता फैल जाएगी, हाई कोर्ट ने कहा है बिना तैयारी के किया है, इनके बगल बैठे हुए शिवसेना वाले आप पे खर्च हो रहे हैं पर दे इन पर, इनकी बात पर विश्वास नहीं। हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला किया है, 1500 की नोट छोड़कर 2000 लाना, 5000 करोड़ रुपए के स्कैम में मां बेटे बाहर है बेल पे, सर आपको याद दिलाऊं क्या, घोटाला करने वाले गुनाहगार सोनिया जी और राहुल जी 5000 करोड़ के स्कैम नेशनल स्कैम में बाहर है बेल पे, ये हमारी मेहनत की कमाई का हिंदुस्तान का पैसा है, तो बेकार हो गया है, आम कार्यकर्ता को, आम किसान को, आम व्यापारी को, आम सरकारी कर्मचारी को भिखारी क्यों बना दिया, इनको क्या अधिकार है कि जो हमारी मेहनत के पैसा बैंक में जमा है उसको लेने के लिए ये रोक कैसे सकते हैं, इनकी सरकार पूरी तरह आर्थिक मोर्चे पर फ्लॉप हो गई है, फेल हो गई है, ये व्यापारियों के हाथ, व्यापारियों के हित नहीं देख पा रहे, हाथ में अडानी जैसे बिक गए हैं ये लोग, प्रमोद जी बिकी हुई सरकार, प्रमोद जी एक बार राहुल गांधी पर भी जवाब दे दीजिए ना सर, 55% जो शख्स 55% की अटेंडेंस हो लीजिए, आप इसी बात से खुश हैं कि उनकी शर्ट आपकी शर्ट से ज्यादा काली है, किसकी शर्ट ज्यादा सफेद है, अध्यक्ष के लिए एक राष्ट्रीय, अंजना जी
लेट मी क्लेरिफाई अंजना जी, 55% अगर राहुल जी की है तो वो अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी के हमारे सर्वोच्च दो नेताओं में एक है। 55% अगर उनकी है तो बहुत है, कम से कम नरेंद्र मोदी जी से तो कहीं ज्यादा। परेशान कर रही है राहुल जी को, छोड़ दीजिए उनको, बहुत दिन से छुट्टी पे नहीं गए हैं यूरोप बेचारे। 55% हाँ, भी बहुत कम से कम वो आदमी जो भाग रहा है, शर्मा रहा है, सदन का सामना नहीं कर पा रहा है, कायर और बुजदिल की तरह आता है पार्लियामेंट लेकिन सदन के सामने नहीं आता, उससे 55% अच्छी है। देखिए कायर और बुजदिल ये शब्द हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी का, अगर 55% भी हो तो अच्छा लगता है प्रमोद तिवारी जी को। आप बताइए पवन जी, पवन जी इस पर जवाब, आप बहुत देर से आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? बिल्कुल आ रही है सर। एक सेकंड पवन जी, पवन जी देखिए क्या होता है कि तू तो मैं पहली बात प्रमोद जी एक मिनट प्रमोद जी छोड़ दीजिए, आदमी कहाँ जाता है। पवन जी बोले, पवन जी ऐसे ही दूसरे देश के बहू को भी अपनी बेटी बना लेते हैं। व्हाट इज दिस, पवन जी को बोले, मुसोलिनी की बेटी को भी अपना मान लेते हैं, समझ रहे हैं, हम हर माँ का सम्मान करते हैं। पवन जी और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपनी बहू के साथ भी सम्मान नहीं कर पाते, मत बुलवाइए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहू का भी सम्मान नहीं कर पाते घर में जगह। एक सेकंड गलत रास्ते पे जा रहे हैं ये पवन जी, ये बहुत जरूरी है किस स्तर पर संवाद हो रहा है कि लाइन में खड़े हुए आदमी की कितनी चिंता इन लोगों को। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, पवन जी ये बहुत जरूरी है, लाइन में खड़े आदमी की कितनी चिंता है ये पता चल रहा है सबको। प्लीज सर, प्लीज आप सबसे निवेदन है, विषय पर रहिए। मैंने वही तो मुद्दा उठाया था, विषय पर रहिए पवन जी। पवन जी आई वॉन्ट टू स्पीक पर आप पवन जी बोल, मेरे तीन चार टिप्पणियां जल्दी से मैं कह देता हूँ जिसमें से फिर से ये तू तू मैं शुरू हो जाए। देखिए बहुत ये निम्न स्तर पर ये संवाद चल रहा है, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। मैं सिर्फ दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। संबित जी ने कहा कि ये प्रधानमंत्री वाकई में प्रभावशाली है और हैं भी, तो अगर ये बात है तो उनका सांसद में आना उससे कोई फर्क पड़ता है? उनको खुद ही के सोचना चाहिए कि आना चाहिए। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जो बेहतरीन लोकतांत्रिक प्रणाली होती है, मान लीजिए ब्रेक्सिट पे वोट पर पूरे बहस में या पहले ही शुरुआती बहस में जो प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन थे वो आते ही नहीं, तो मतलब जो चीज़ कभी लोकतांत्रिक प्रणाली में होती ही नहीं है वो हुई। एक दिन पूरे दिन बहस चली, प्रधानमंत्री आए नहीं। मैं समझता हूँ ये गलत है इस बात को। अच्छा मेरे को तीसरी बात नहीं समझ आती अंजना जी कि प्रधानमंत्री को परहेज क्या है, लोगों ने किस बात से वो कह रहे हैं कि मैं सांसद में नहीं आऊंगा? क्या उनको इस बात का डर है कि कोई ऐसे तथ्य रखे जाएंगे जो निजी स्तर पर उनको शायद किसी तरह से उनको घेरेंगे, या क्या बात है? क्योंकि अदरवाइज अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री खुद कहते कि हमने ये दंके की चोट पर निर्णय लिया, हम आना चाहते हैं। और आखिरी बात देखिए, अगर कोई कहता है कि प्रधानमंत्री आए, तो ये संबित जी मैं आपसे, आप बार बार कहते हैं अपनी उम्र का तकाजा देते कि हम आपसे बड़े हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप इस चीज का जवाब ये मत दीजिए कि जो ये ऐसा सुझाव देता है हाँ। वो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा है हाँ। ये किस तरह का निम्न स्तर का ये संवाद आप करने लगते हैं जिसमें चाहिए उंगली उठाने लगते हैं? राघव जी दो लाइन में वक्त की बहुत ज्यादा कमी है, राघव जी आपसे रिक्वेस्ट है दो लाइन में अपनी बात कहें। संबित लास्ट में आपसे लूंगी जवाब, संबित जी मैं आ रही हूं, संबित जी प्लीज जवाब दे दीजिए। राघव जी दो लाइन में सर। देखिए ऐसा है, देखिए अंजना जी हाँ दो तीन शब्द इसमें जोड़ना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि जी पहले आप ये बताइए, पवन वर्मा जी ने जिस बात का जिक्र करा उसी बात पर आगे बढ़ाऊंगा कि क्या प्रधानमंत्री जी अब ये बोले नहीं देंगे? बीजेपी को पता है कि अब हम क्या दस्तावेज आपके चैनल पर रखने जा रहे हैं, इसलिए वो हमें बोलने नहीं देंगे, परंतु हम फिर भी प्रयास करेंगे। राइट ऑफ का मतलब नहीं होता है कि नरेंद्र मोदी जी इसलिए संसद में नहीं आ रहे क्योंकि ये दस्तावेज संसद में रखे जाएंगे, विपक्षी दल इन दस्तावेजों को रखेगा और बोलेगा कि ठीक है। क्या डर है संबित जी, दो लाइन में अब आपकी तरफ से जवाब, आप सत्ता में हैं, क्या डर है और क्या इस तरह से बहस छेड़ना कि जो हमारी तरफ वो तो ठीक नहीं तो सारे राष्ट्रद्रोही, ये बहुत अहम सवाल उठाया गया। देखिए आपने एक सवाल पूछा पॉइंटेड सवाल कि क्या डर है, मैं उसका पूरा फिक्स्ड उत्तर दे रहा हूं, क्या डर है
हम काहे को डरेंगे, मोदी काहे को डरेंगे? जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में एक अठन्नी चौवन्नी तक नहीं खाया देश का, जिस व्यक्ति ने लड़ाई कमर कस ली है काले धन की लड़ाई लड़ने के लिए, जहां तो एसआईटी नहीं गठित की जा रही थी तीन तीन वर्षों तक, यहां देखिए देखिए मैं तो बीच में नहीं बोल रहा था, अभी सुन लीजिए, तो उसको डर का है का ना? डर है ना डरेंगे, और जनता जो गरीब है और जो जनता ऑनेस्ट है उसको हम कहना। लाइन में खड़े लोग और उन पर लाठी बरसाते पुलिस वाले, शर्मनाक तस्वीर जिसमें कोई भी लोकतंत्र शर्मसार हो जाए। अब जाकर लगातार खबर दिखाए जाने के बाद अब कार्रवाई हुई है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एसओ और एसपी को सस्पेंड किया। देखते रहिए आज तक।